उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाएं चरम पर नजर आ रही हैं। बीते कुछ दिन पहले भी लक्सर के सिमली से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई एक ऑल्टो कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लक्सर क्षेत्र स्थित सिमली निवासी संजीव कुमार पुत्र धर्म सिंह की एक ऑल्टो कार को अज्ञात चोरों द्वारा रात के समय उनके घर के सामने से चोरी कर लिया गया था। वहीं बीते दिन बृहस्पतिवार को संजीव कुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी सिमली ने अपनी ऑल्टो कार चोरी होने के मामले में ऑनलाइन EFIR दर्ज कराई थी, जिसके चलते कार चोरी हो जाने के मामले में लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने व पुरानी घटनाओं का खुलासा करने के लिए हरिद्वार SSP प्रमेंद्र डोबाल द्वारा पुलिस को कड़े दिशा निर्देश दिए गए, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए घटनास्थल के पास व पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला, जिस पर CCTV वीडियो में आरोपी का पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने का एक वीडियो सामने आया था। वहीं इसकी जानकारी करने पर आरोपी द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से UPI ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसों का भुगतान करना भी सामने आया। कल्याण थाना पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो वाहन चोर को कल पकड़ा गया था और उससे जो वाहनों की बरामदगी, 7 वाहन बरामद हुए हैं। इस प्रकार से अभी पूरे जनपद में पिछले 15 दिन में करीब 19 अभियुक्तों के साथ हम लोगों ने 54 के ऊपर वाहन बरामद किए हैं, यहाँ से चोरी हुए थे। पिछले एक पखवाड़े में पुलिस के द्वारा वाहन चोरी में एक अच्छा प्रयास किया गया था, उसी क्रम में कल्याण पुलिस के द्वारा कल 2 वाहन चोरों से 7 वाहन रिकवर किए हैं। ये जो कार्रवाई है हमारी लगातार जारी रहेगी और हम इसमें और प्रभावी तेजी लाएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।